हेलो एवरीवन, डॉक्टर होस्टल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मॉन्की पॉक्स वायरस की। देखेंगे कि ये वायरस जो है वो आखिर क्या होता है और इसका न्यू आउटब्रेक जो है वो कहाँ पे हुआ है, कितना सीवियर कंडीशन है और किस तरह से जो है वो डैमेज कर सकता है। फिर हम देखेंगे इसका साइन और सिम्टम्स क्या है और साथ में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और साथ में इसका प्रिवेंशन भी जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से देखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ना मंकी पॉक्स, ये भी जो है एक स्मॉल पॉक्स की तरह ही है जो कि बहुत ही जो है वो सीवियर कंडीशन में भी जो है वो पहुंचा सकता है। हालांकि अभी जो कंडीशन देखने को मिला है वो काफ़ी माइल्ड जो है वो देखने को मिला है। तो वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, उससे पहले जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखो आखिर मंकी पॉक्स वायरस जो है ये होता क्या है, इसकी बात हम करेंगे। तो मंकी पॉक्स वायरस जो है ये जूनेटिक डिजीज़ जो है ये है। और जूनेटिक डिजीज़ क्या होता है? तो जूनेटिक डिजीज़ होता है ऐसा डिजीज़ जो कि एनिमल के थ्रू जो है ट्रांसमिट होकर ह्यूमन में जो है वो पहुँचता है। तो ऐसे डिजीज़ को जो है जूनेटिक डिजीज़ कहा जाता है। तो जो कोई भी, चाहे वो वायरस हो या कोई भी जो है डिजीज़ हो जो कि एनिमल के थ्रू जो है इंसानों में पहुंचता है, ट्रांसमिट हो गए, तो वैसे डिजीज़ को जो है जूनेटिक डिजीज़ की कैटेगरी में जो है वो रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो मंकी पॉक्स वायरस है, ये जो है मंकी पॉक्स जो है ये मंकी पॉक्स वायरस से जो है ये आता है, यानी कि इसके कारण जो है मंकी पॉक्स वायरस के कारण जो है मंकी पॉक्स होता है। और देखने में बिल्कुल जो आपको जो है ये स्मॉल पॉक्स जैसा, जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल पॉक्स जैसा जो है वो दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो मंकी पॉक्स है ये है ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस का जो है ये पार्ट है। और यहाँ पे जब भी ये जो होता है तो यहाँ पे जो आपको पॉक्सविरिडेट जो फैमिली है वायरस का, जहाँ पे जो है पॉक्स टाइप के जो वायरस जो है वो होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और यहाँ पे मंकी पॉक्स वही है। तो ये इस फैमिली का जो है वायरस है और इसी का जो है कैटेगरी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये न्यूज़ में है कि नॉर्थ वेल्स जो है यूके की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, वहाँ पे दो केस जो है वो देखने को मिला है मंकी पॉक्स का, वो भी सेम हाउस होल्ड में। तो ये केस जो है एक बार फिर से जो है वो न्यूज़ में आ गया है और इसी कारण जो है हम यहाँ पे डिस्कस भी जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे आप बोलो कि न्यू वेल्स कहाँ पे है, तो दिखा देता हूँ कि जो इंग्लैंड है ये पूरा जो है इंग्लैंड है, और जो यूके होता है यहाँ पे ये चार जो है वो शामिल होते हैं यूके में, जिसमें से एक इंग्लैंड होता है, और स्कॉटलैंड होता है, नॉर्थन आयरलैंड होता है, आयरलैंड का जो दो पार्ट है, ये जो सदर्न आयरलैंड है ये अलग है, और जो नॉर्थन आयरलैंड है ये यूके का पार्ट होता है, और साथ में ये जो होता है वेल्स, ये जो भी जो है यूके का पार्ट है। तो जब भी हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं तो उसमें ये चार चीज़ें जो है वो शामिल होती है, चार जो है ये स्कॉटलैंड, नॉर्थन आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स जो है शामिल होता है। और ये केस जो है आपको नॉर्थन वेल्स में जो है यहाँ पे देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि जो मंकी पॉक्स है इसका आउटब्रेक जो है वो कब से हुआ और कैसे जो है इसका आउटब्रेक होता है। तो जो मंकी पॉक्स है इसका फर्स्ट केस जो आइडेंटिफाई किया गया था वो किया था 1970 में, और ये किया गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, अभी मैं दिखाऊंगा मैप पे। और ये जो है इसको जो है जायरे के नाम से भी जो है वो जानते थे, जहाँ पे 9 साल के एक बच्चे को जो है वो स्मॉल पॉक्स जैसे जो है हुआ था ये मंकी पॉक्स। और ये स्मॉल पॉक्स जो है उस समय इस इलाके में जो है 1968 में जो है वो एलिमिनेट हो गया था। तो वहाँ पे जो है स्मॉल पॉक्स जो है उसके जो है नहीं आ रहे थे, लेकिन स्मॉल पॉक्स जैसा ही जो है ये देखने को मिलता है। इसके बाद जो केस देखने को मिला वो देखने को मिला नाइजीरिया में, काफ़ी लार्जेस्ट लेवल पर जो है ये आउटब्रेक देखने को मिला, और ये देखने को मिला 40 साल बाद जो है केस को कन्फर्म किया गया नाइजीरिया में 2017 में। तो 2017 का आप न्यूज़ और करंट अफेयर आप फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी देखने को मिला था कि इसका जो है मंकी पॉक्स उसमें काफ़ी न्यूज़ में था, वो भी नाइजीरिया की वजह से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि 2003 में भी जो मंकी पॉक्स केस देखने को मिला, ये मिला यूनाइटेड स्टेट में जो है, ये केस जो है इसका कन्फर्म किया गया मंकी पॉक्स का। उसके बाद से 2018 के सितंबर में जो है इसराइल में कन्फर्म किया गया, और इसके अलावा जो है 2018 के सितंबर और दिसंबर 2019 में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में देखने को मिला था, जहां अभी जो है वो कन्फर्म किया गया है। इसके अलावा सिंगापुर जो है मई 2019 में देखने को मिला था, और इसके अलावा जो है नाइजीरिया से जो है जो भी उन लोगों में देखने को मिला था जहाँ पर जो है ये ट्रेवल करके जो है वो पहुँचे थे। तो जो भी जो है ट्रेवल करके पहुँचे थे उनमें जो था ये वायरस जो है वो देखने को मिला था, और जहाँ जहाँ नाइजीरिया से जहाँ जहाँ है ये लोग उस समय पहुँचे थे ट्रेवल करके, वहाँ से जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिला था। तो इस समय जो है ऐसा कुछ सीन नहीं है कि जो भी ट्रेवल करके आया है उसके ज़रिए जो है ये पहुँचा है, लेकिन ये जो मंकी पॉक्स अभी जो नॉर्थन वेल्स में पहुँचा है ये जो है ये इसका अभी कोई सोर्स भी जो है वो रिवील नहीं हुआ है। और
इसी कारण से जो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो ट्रैवल करके आया है, किसी भी तरह का जो है वो ट्रैवलर से आया है। अभी भी इसका जो है आउटब्रेक देखना होगा कि अभी का जो आउटब्रेक आया है ये किस वजह से जो है वो आया है। ये जो आगे की जैसे जैसे न्यूज़ कन्फर्म होते जाएंगे वैसे जो गवर्नमेंट जब डाटा रिलीज़ करेगी तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि एक बार ये सारी चीज़ें जो है स्मॉल पॉक्स शुरू कहाँ से हुआ। तो आप देखोगे ये जो है साउथ अफ्रीका का जो है वो मैप है, साउथ अफ्रीका बोर्ड में पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो है मैप है। अब इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखोगे ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो है, यहाँ जो है पहला से जो है 1970 में जो है पहला केस देखने को मिला था 17th के एरा में। इसके बाद से जो है 2017 में जो केस देखने को मिला था नाइजीरिया में। ये जो है नाइजीरिया है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जो है आबादी देखने को मिलता है, जो कि 22 करोड़ के आसपास जो है आबादी है इसकी। तो यहाँ पे है नाइजीरिया जो यहाँ से जो है देखने को मिला था 2017 में, और यहाँ से बाकी जो केसेज आए थे सिंगापुर, यूके, यूएसए, तो यहाँ से जो भी ट्रेवलर थे यहाँ से जो है केसेज देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी मंकी ट्रांसमिशन का जो है ये किस तरह से जो है ट्रांसमिशन होता है। तो मंकी पॉक्स के जो भी इन्फेक्शन होता है ये यूजली जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण जो है किसी भी जो एनिमल हो या इन्फेक्टेड जो बॉडीज हो उसके डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट से जो है ये ट्रांसमिशन होता है। इसका मतलब जो भी बॉडी फ्लूड्स होते हैं उनके कारण जो है ये ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा जो स्किन लेसन्स होते हैं उनके कारण भी जो है ये ट्रांसमिशन होता है। और जैसे स्किन लेसन्स का मतलब है जैसे भी आप देखोगे स्मॉल पॉक्स होता है या फिर चिकन पॉक्स होता है तो वहाँ पे जो भी जो बनते हैं एक तरह से जो है रसेस जो बनते हैं बॉडी में उन रसों के कारण भी जो है ये एक दूसरे से जो है वो ट्रांसमिशन हो जाता है। इसके अलावा जो कोई भी जो ह्यूमन है जो इनएक्यूरेट कुक मीट खाता है जो कि एक इन्फेक्टेड एनिमल का है तो उसमें भी जो है रिस्क है कि वहाँ पे जो है मंकी पॉक्स आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखने को मिल सकता है। काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट अगर होता है स्किन लेसन्स का तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो हो देखने को मिल जाता है। जैसे कि जो चीज़ें जो है आप देखते हो कि स्मॉल पैक्स या चिकन पैक्स में देखने को मिलता है जहाँ पे अगर कोई कॉन्टैक्ट में रहता है तो वो जो है उस ह्यूमन को भी हो जाता है, तो वो सेम चीज़ भी है मंकी पॉक्स में भी जो है वो देखने को मिलता है। या फेस टू फेस जो भी कॉन्टैक्ट होता है स्किन लेसन्स का तो यहाँ पे जो है ये ट्रांसमिशन जो है वो देखने को मिल जाएगा जो भी एक ह्यूमन है उस दूसरे ह्यूमन में। अब हम बात करते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या है मंकी पॉक्स का, किस तरह से जो है ये सिम्टम्स दिखाता है। तो जो भी CDC के हिसाब से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो वो है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो ये इनके हिसाब से जब भी ये होता है कि तो 12 दिन में जो भी कॉन्टैक्ट में आता है इस वायरस के बाद तो वहाँ पे जो है आपको थोड़ा थोड़ा सा फीवर जो है वो देखने को मिलेगा, हेडेस देखने को मिल जाता है, मसल लेसिंग देखने को मिल जाता है यानी कि मसल में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, थकान से देखने को मिल जाता है। ये जो है इसके सिम्टम्स के तौर पर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है बॉडी होता है उसमें रसेस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जब भी 3 दिन के जो है वो कॉन्टैक्ट में जो भी कोई आता है। अभी रसेस क्या है जो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो कि ये रसेस जो है आपको ऐसे जो है वो दिखाई देते हैं जो भी यहाँ पे जो है वे बनाते हैं। ये तो ये है यहाँ पे ये जो है बॉडी में 3 दिन के कॉन्टैक्ट के बाद जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो है जब ये रसेस जो है वो डेवलप होते हैं बॉडी में तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ईचिंग वाले जो है होते हैं, बार बार जो है ईचिंग होते रहते हैं, खुजली टाइप का जो है वो फील होते रहता है। और इसके बहुत सारे डिफरेंट लेवल जो है वो चलते रहते हैं जहाँ पे कभी निकलता है ठीक होते रहता है। इसके अलावा जो है ये स्कर में फॉर्म करते रहता है और ये बाद में जो है ख़त्म अपने आप ही हो जाता है। और जो लेसन्स होते हैं जो भी ये स्किन्स में डेवलप होते हैं ये जो आपको अप टू 2 से 4 वीक तक जो है ये चलते हैं और उसके बाद जो है अपने आप ही रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो भी मंकी पॉक्स का ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो मंकी पॉक्स के लिए अभी भी कोई भी स्पेसिफिक जो है वो क्योर नहीं है या कोई भी जो है जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स के लिए जो अवेलेबल है वो 80 से 85% तक जो है वो इफेक्टिव हो सकते हैं मंकी पॉक्स के केस में अगर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बहुत ही बड़े लेवल पर जो है आउटब्रेक होता है तो जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है वो 80 से 80% जो है इफेक्टिव है, जो कि बहुत एक हाईली रेट से जो है इफेक्टिव है। तो इसे जो है यूज़ में लिया जा सकता है लेकिन अभी जो है ये उतने जो है व्यापक लेवल पे अवेलेबल नहीं है और पब्लिक यूज़ के लिए भी खासकर जो है अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि एक स्पेसिफिक जो है क्योर कोई नहीं है लेकिन उसका वैक्सीन जो है वो चल जाता है। अब हम बात करते हैं इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि प्रिवेंशन जो है वो कैसे किया जा सकता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक ना फैले। तो इसका सबसे बड़ा जो
जो प्रिवेंशन हो सकता है वो सकता है कि इसको जो है अवेयरनेस जो है वो रेज किया जाए, इसके अलावा जो भी इसके रिस्क फैक्टर हैं उसके बारे में पीपल को एजुकेट किया जाए, बताया जाए, और उसके अलावा जो भी मेजर्स लिए जाएंगे उसको जो है एक अच्छे तरीके से जो है फॉलो किया जाए। इसके अलावा हम बात कर देते हैं कि जो भी जो है जूनेटिक ट्रांसमिशन होता है उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि जूनेटिक ट्रांसमिशन यानी कि जो भी जो है एनिमल से जब भी ह्यूमन में फैलता है तो उसको जो है हम रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हम एनिमल के कांटेक्ट में जो है जिस एनिमल को रिस्क है उस एनिमल के कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, फिर उससे जुड़े जो भी फूड्स हैं वो जो है कंज्यूम नहीं करेंगे तो ट्रांसमिशन रुक सकता है। इसके अलावा जो ह्यूमन से ह्यूमन जो ट्रांसमिशन होता है उसको जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, तो वैसे कंडीशन में जो है आपको ये रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है अगर किसी को जो है मंकी पॉक्स है तो उसके कांटेक्ट में जो है ज़्यादा सीवियर कांटेक्ट में जो है वो नहीं जाना चाहिए, वहाँ से जो है आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं इसके रिस्क को। इसके अलावा जो है जो भी ऐसे एनिमल हैं जिनको ट्रेड किया जाता है और जो जो है वो मंकी पॉक्स से जो है वो रिलेटेड हैं, या जिनमें मंकी पॉक्स के चांसेस जो है वो देखने को मिल रहा है, या जिनके जरिए जो है मंकी पॉक्स इंसानों में आ रहा है, उन एनिमल का अगर ट्रेड हो रहा है तो उनके एक्सपेंशन पे जो भी ट्रेड हो रहा है कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है कुछ समय के लिए डाल देना चाहिए, जब तक ये चीज़ें जो है कंट्रोल नहीं हो जाती है, क्योंकि आगे चल के जो है उन्हीं एनिमल को जो है वो आपको इंसानों को कंज्यूम करना है, और जब भी वो कंज्यूम करेंगे तो इंसानों के संपर्क में भी जो है ये चीज़ें आएगी और मंकी पॉक्स जो है वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रिवेंशन है जिनके जरिए जो है मंकी पॉक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है मंकी पॉक्स रिलेटेड वो है वो डिस्कस कर लिया है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही आप हमें किसी भी तरह का जो है वो नोटिफिकेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं डॉक्टर हुसैन सर्च करके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप इन्हें जुड़ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।